टीआरएस रुकने असेंबली दानम नागेंद्र ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ मुखालिफ पुरतशद्दुद मुजाहरे और राकेश की हलाकत पर शदीद अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मुल्क के मौजूदा हालात के लिए मोदी हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। नागेंद्र ने मरकजी हुकूमत को गलत फैसले करने पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी को मुल्क के नौजवानों से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अनाउंसमेंट आने के बाद में अग्निपथ का जो अनाउंसमेंट आने के बाद में हिंदुस्तान के नौजवानों में एक जो आंदोलन जो पैदा हुआ है उसके जिम्मेदार जो है सरासर बीजेपी पार्टी है। अग्निपथ का जो निर्णय लेने से पहले हिंदुस्तान की दूसरे पार्टियों से जो है ऑल पार्टीज़ का एक मीटिंग लगाकर जो है सबका राय मशवरा लेकर जो है ये अग्निपथ का अनाउंसमेंट करना था, लेकिन उसका कोई भी रोड मैप नहीं है, उसका एक्शन प्लान नहीं है, उसके अंदर क्या है, उसके रिपरकेशंस क्या है, उस कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ ये ही जो है इमीडिएटली जो है उनका एक ही रवैया है, सिर्फ जो है हिंदुस्तान के अंदर नौजवानों में एक दरार पैदा करना और नौजवान फूट डालना। खाली जो है कब जब जब इलेक्शन आते हैं इंतखाबातों में एक तरफ से पाकिस्तान का नाम बोलकर जो है अपना जो है जो ये सत्ता को संभालने का जो कोशिश कर रहे हैं, और खास को हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल आज पैदा हुआ इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है बीजेपी सरकार है। जो भी स्टेट्स के अंदर या यूपी में हो या बिहार में हो या कर्नाटक में हो या मध्य प्रदेश में हो, जहाँ जहाँ भी उनके सरकार है यही लोग उनकी जिम्मेदारी है। आज हिंदुस्तान के नौजवानों को जो है आज अनकंडीशनली अपॉलॉजी बोलने का जिम्मेदारी आज जो है बीजेपी के सरकार के ऊपर है और मोदी साहब के ऊपर है। लेकिन आज भी अगर मोदी सरकार जो है आज ये जो अग्निपथ का जो रोल बैक नहीं करेंगे, ये आंदोलन जो है नौजवानों में और जो एक नया सा एक डर पैदा हो गया आने वाले दिनों में हमारी ज़िंदगी कैसा, 4 साल के बाद हम क्या करेंगे, 4 साल के बाद हम किधर जाएंगे, 4 साल के बाद हम फिर रोड पे आ जाएंगे, तो 4 साल के बाद में ये लोग जो है ये 4 साल इनको इस्तेमाल करने के बाद में उसमें से 25% लोगों को ले उसको रिटेन करके बाकी के लोगों को बाहर निकालने का जो तरीका है, कभी भी कोई भी कानून में ऐसा नहीं है। लेकिन वो भी हिंदुस्तान के एक शहरी है, हिंदुस्तान के सिटीज़न है, उनका भी उतना ही हक बनता जितना अपना बनता। एक हिंदुस्तान के सिटीज़न होने के नाते उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि उन्होंने डिमांड करना, वो डिमांड कर रहे थे। लेकिन उनका जो है उनका जो आंदोलन पहला दिन चालू हुआ उसी दिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लोग सामने आकर जो है जिस तरीके का अग्निपथ का जो अनाउंसमेंट किया उसी तरह जो अगर आकर जो है उनको एक क्लैरिटी दिए तो आज ये इतना बड़ा आंदोलन हिंदुस्तान के अंदर नहीं होता था। इतना जो आंदोलन हो रहा इसका पूरा जिम्मेदारी है जो भी हिंदुस्तान के अंदर जो भी रेलवे के डिपार्टमेंट्स में हो दूसरा डिपार्टमेंट में जो भी नुकसान हुआ इसका जिम्मेदार बराबर जो है बीजेपी सरकार है।